बिहार के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को दिन भर पटना में तेज धूप और उमस भरी गर्मी बनी रही। आज यानी कि रविवार को भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस के पटेल का कहना है कि अब बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आएगी। फिलहाल मानसून कमजोर पड़ गया है, यही कारण है कि आज बिहार में अच्छी बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन में धूप और उमस वाली गर्मी महसूस होगी, साथ ही 12 जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि शेष सभी जिलों में छिटपुट वर्षा का पूर्वानुमान है। कल निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों और झारखंड के आसपास बना हुआ था। पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़कर आज दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश एवं निकटवर्ती उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पर बना हुआ है और उसी क्षेत्र पर संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। मानसून ट्रफ अब जैसलमेर खजुराहो निम्न दबाव का क्षेत्र से होते हुए रांची उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। जैसे जैसे यह सिस्टम आगे बढ़ेगा वर्षा की गतिविधियां बिहार में कम होती चली जाएगी। उपर्युक्त मौसमी सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण बिहार के कुछ भागों में आज हल्की से मध्यम वर्षा एवं उत्तर बिहार में मौसम ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा, एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा का ही पूर्वानुमान है। अगले दो दिनों के दौरान मानसून की गतिविधि पुनः कमज़ोर हो जाएगी। अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर बंगाल की खाड़ी में उसी क्षेत्र पर कम दबाव का क्षेत्र पुनः बनने का पूर्वानुमान है। सुबह और शाम तक गर्मी एवं वातावरण में नमी बढ़ जाने के कारण तपन और उमस अगले दो दिनों तक बिहार के अनेक भागों में बना रहेगा। आज पूरे बिहार में हल्की बारिश होगी। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई के एक या दो जगहों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि शेष सभी जिलों में कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। शनिवार की तरह आज भी उमस देखने को मिलने वाली है, जबकि सोमवार को बिहार में अच्छी बारिश का आसार दिख रहा है। पटना से लोकल एटिंग के लिए सचदानंद की ये रिपोर्ट।